तो हे हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है व्यास और आप देख रहे हो टेक विद व्यास चैनल। तो यार सबसे पहले तो मैंने सोचा मार्च का महीना है और सबके एग्जाम डेज चल रहे हैं और एग्जाम्स में तो पता ही है कि हम थोड़ी बहुत ही जो चीटिंग जो है वो करते हैं, लेकिन कई लोग जो है चीटिंग करने के लिए चिट्स का सहारा लेते हैं और कई लोग पड़ोसी से ही मदद मांग लेते हैं। लेकिन जो बंदे चिट्स लेके जाते हैं, कभी कभार टीचर ऐसा खौफनाक आ जाता है कि जो बंदे चिट्स लेके जाते हैं उनके चिट्स वो 2 मिनट में पकड़ देता है। और मैं आपको एक ऐसा गैजेट बनाने सिखाने वाला हूँ जिसको जिसकी मदद से आप बहुत ही इजीली, चाहे वो जितना ही खतरनाक टीचर हो उसके सामने बैठ के आप चीटिंग कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं कहने वाला, मतलब सामने बैठ के नहीं, आपको वो कुछ भी नहीं कहने वाला, उसको पता ही नहीं चलेगा। आप इससे टीचर को और टीचर के बाप को भी चकमा दे सकते हो। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे मेरे हाथ में एक इरेजर देख पा रहे होगे, और ये इरेजर कोई मामूली इरेजर नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा खास बात है। तो यार इसमें क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो भाई, ये इरेजर यहाँ से कटी हुई है और कट अगर आप इस इरेजर को यहाँ से अगर खोलते हो तो इसके अंदर है भाई एक बहुत बढ़िया चिट। इस चिट को आप अपने एग्जाम में ले जाके बहुत बढ़िया तरीके से चीटिंग कर सकते हो। और भाई इस चिट से आपको कोई भी पकड़ नहीं पाया, क्योंकि आप ये जो है एक ज्योमेट्री बॉक्स का मटेरियल है, तो इसको आप अगर निकालते हो चुपचाप से ऐसे करके आप चीटिंग कर लेते हो तो आपको कोई भी हमें पकड़ नहीं पाएगा। चाहे आपकी चेकिंग हो जाए, जो मर्जी हो जाए, तब तक आपकी ये इरेजर नहीं पकड़ जाएगी। तो आज मैं आपको यही बनाना सिखाने वाला हूँ। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए होगी इरेजर और साथ में हमें चाहिए होगा कटर। तो यहाँ पे मैंने कटर भी ले लिया है। कटर से आपको मैंने क्या करना है, जिस तरह से मैंने ये वाली इरेजर काटी थी उस तरह से आपको ये दूसरी इरेजर भी, मतलब जैसे मैंने ये वाली इरेजर काटी थी बिल्कुल सेम टू सेम मैं वैसे काट दूंगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इस इरेजर को यहाँ से कट कर देना। 4 hours later तो अभी मैंने इस इरेजर को यहाँ पे कट कर लिया। और अभी हमें क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे एक पेपर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक पेपर ले लिया और आपको सिंपल से क्या करना है, इस इरेजर के साइज का आपको पेपर यहाँ पे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस इरेजर के साइज का एक पेपर कट कर लिया। और यहाँ पे अब आपको सिंपल से क्या करना है, आपको चाहिए होगी एक ग्लू। तो आपको क्या करना है कि ग्लू की हेल्प से पेपर को इरेजर के साथ पेस्ट करना है। तो आओ यार इसको पेस्ट करते हैं। तो भी मैंने यहाँ पे इस पेपर को यहाँ पे इसके साथ पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं ताकि इस पे हम कुछ भी लिख सके। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है तो आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दो, और यहाँ बेल आइकन को जो आपको नीचे दिख रहा होगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। 2,000 years later तो गाइस यार अभी यहाँ पे हमारी इरेजर के अंदर जो पेपर था वो यहाँ पे आराम से सूख चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो कितना मस्त यहाँ पे लग रहा है। अभी यार बस इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ भी लिख लेना और यहाँ पर इसको अपने स्कूल में लेके चले जाना। जब आपका पेपर होगा आपको कुछ नहीं आ रहा होगा तो आप इसमें से आराम से देख सकते हो। तो यार कैसा लगा आपको ये गैजेट, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दो यार, क्योंकि यार ऐसे नए नए मैं कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। तो यार एक घंटे का आइकन है उसको दबा के यार ऑल पे सेट जरूर से कर देना, क्योंकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मेरी तरफ से आप सभी को अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय।